इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए चुनाव का बिगुल बज चुका है। 30 जनवरी को मतदान होना है। चुनाव में निवर्तमान MLC और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी ने फिर अपनी दावेदारी ठोकी है। पद प्रयागराज और पूरे निर्वाचन क्षेत्र में उनके संगठन और उनका खासा जनाधार माना जाता है। चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारा है। समाजवादी पार्टी सहित कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उनके प्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ प्रयागराज के मंडल मंत्री अनुज कुमार पांडे तथा माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य परिषद सदस्य अजीत सिंह से चुनाव के संबंध में जानते हैं। पांडे जी, सुरेश त्रिपाठी जी, ये शिक्षक MLC का चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 3 बार से हैं भी, और इधर भाजपा अपना प्रत्याशी उतार दी है, तो आपका क्या कहना है, क्या पोजीशन है इस बार? देखिए, इसमें वोटर शिक्षक है और माननीय सुरेश त्रिपाठी शिक्षकों के प्रतिनिधि संगठन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उसी संगठन के अधिकृत प्रत्याशी हैं। अन्य जो भी शिक्षक संगठन हैं, चाहे वो मदरसा संघ हो, संस्कृत संघ हो, राजकीय शिक्षक संघ हो, वित्तविहीन शिक्षक महासभा हो, सबका इनको लिखित समर्थन भी है। और माध्यमिक शिक्षक संघ वोटर शिक्षक है, तो इसमें पोजीशन कुछ जानने की बात ही नहीं है। शिक्षक प्रत्याशी है, शिक्षक वोटर है, शिक्षक का चुनाव है, तो राजनीतिक दल अपने तामझाम के साथ प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन न उनके प्रचार में कहीं शिक्षक है, न उनके कहीं उनके एजेंडे में शिक्षक है। नहीं, हमने कई महाविद्यालयों में जाके प्रबंधक प्रिंसिपल से भी बात किए, तो पहले तो बता रहे थे त्रिपाठी जी को ही, और लेकिन इस बीच ये बाबूलाल तिवारी के आ जाने की वजह से बोलने से कुछ कतरा रहे, बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो इस संबंध में क्या कहना है? सत्ता है, सत्ता के भय से लोग विद्यालय चलाते हैं, अब उसके नहीं बोल रहे होंगे, अब आप कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि नहीं बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मानूंगा, नहीं बोल रहे। देखिए, इसमें महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट सबके शिक्षक वोटर हैं। महाविद्यालयों में उतनी बड़ी संख्या शिक्षकों की नहीं है जितना इंटर कॉलेज में, और इंटर कॉलेज में हमारा कैडर बेस वोटर है, लेकिन महाविद्यालय शिक्षक संघ भी हमारे साथ है और वो भी हमारे साथ हैं, हमको वोट करेंगे। बोलने से कतरा रहे हैं, हर व्यक्ति सत्ता का सम्मान करता है, उससे मैं कहना नहीं चाहूँ भय खाता है, तो हो सकता है उनको भयभीत किया जा रहा है। भयभीत करके आप बोलने से बंद कर देंगे, लेकिन मत तो गुप्त होता है। आप कह रहे हैं बोलने से कतरा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कह रहे हैं ना कि सुरेश त्रिपाठी का विरोध कर रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं बोला होगा? नहीं, ऐसा नहीं बोले हैं, और लोग दबी जबान से ये भी कहे हैं कि देखिए भाई, सत्ता है, हमको स्कूल चलाना है, तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, अब आगे देखिए क्या होता है। देखिए, विधायक जी 6 वर्ष प्रतिदिन सक्रिय रहते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं। ये चुनाव, आप पहले एक चीज ये समझ लीजिए, ये चुनाव शिक्षकों की आवाज उठाने का चुनाव है। इससे न सरकार बनेगी न सरकार बिगड़ेगी, जो सरकार में है, जो भी सरकार हो, उससे शिक्षकों की मांग रखने का काम शिक्षक प्रतिनिधि करते रहे, तो जब सरकार का प्रतिनिधि चुन के आएगा तो सरकार से मांग कैसे? हो सकता है आप कोई एक दो मांग पूरी कर दें, तो क्या आगे मांग नहीं बनेगी? हम अपने बच्चे को भी बिना मांगे कुछ नहीं देते, तो ये हमारा मांगने वाला पद है। हम समझ नहीं पाते कि सरकार को या विपक्षी दल को इस पद की क्यों जरूरत है। उनको विधानसभा या विधान परिषद में जो स्थानीय निकाय के कोटे के पद हैं, विधानसभा के कोटे के पद हैं, उनको उनके लिए वो हैं, ये शिक्षकों के पद में वो इतना ताकत और क्यों दिखा रहे हैं? ये केवल इसलिए कि शिक्षकों की मांग ही कोई उठाने वाला न रहे, तो अब ये शिक्षक स्वयं निर्णय करेगा कि मांग उठाने वाली अपनी ताकत को बचाए रखेगा कि नहीं रखेगा। लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि शिक्षक बचाए रखेगा, शिक्षक स्वयं प्रचार कर रहा है माननीय सुरेश त्रिपाठी का, वही वोटर है। वोट बनाते समय ये कहीं नहीं दिखे, वोट भी बनाया सुरेश त्रिपाठी ने इलाहाबाद में, इन लोगों ने केवल वोट कटाने का काम किया, अब उन्हीं वोटर से वोट मांगने जा रहे हैं। जिन महाविद्यालयों की आप बात करते हैं, वहां पे वोट ज्यादा फार्म भरे गए थे और ज्यादातर को निराधार काट दिया गया है, महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में वोटर नहीं रह गए और केवल इन्होंने कटवाने का काम किया है। तो अब ये स्थिति है,
अच्छा, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से वोटरों से कुछ कहना चाहते हैं, शिक्षक वोटरों से? बिल्कुल कहना हमारा एक, मैं अनुज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का मंडली मंत्री हूँ, माननीय सुरेश त्रिपाठी का प्रयागराज का प्रतिनिधि भी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार बनाने के खेल में चूंकि हम शामिल नहीं होते हैं उस चुनाव में, तो इसलिए हम सदन में निष्पक्ष रहते हैं, तो सरकार भी हमारी बात सुनती है, हमारे प्रतिनिधि की। इसलिए एक निष्पक्ष आवाज को शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में बनाए रखें और इसको दलगत राजनीति का अड्डा शिक्षक नहीं बनाएंगे, भरोसा है। और शिक्षक व्यक्तिगत विधायक जी से और संगठन से जुड़े हैं, उनको वोट करेंगे, इसमें कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? अजीत सिंह। तो आपका क्या कहना है शिक्षक एमएलसी चुनाव के बारे में? देखिए, शिक्षक एमएलसी के बारे में हमारा ये कहना है कि हम लोग गैर राजनीतिक दल है हमारा, और ये जितने भी राजनीतिक दल आए हैं, जो भी पार्टियां आई हैं, इनका सिर्फ एक मकसद है कि शिक्षकों को इनका हक न मिले। पुरानी पेंशन शिक्षकों का एक सहारा था, जिसको इसी सरकार ने, या ये कहें कि इन्हीं सरकारों ने ही इसको लूटा और उसको बंद किया। जो एक उनके बुढ़ापे का सहारा था, वो लड़ाई सिर्फ शर्मा गुट, माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी आज हमारे बीच नहीं है, उनके द्वारा सारी उपलब्धियां हासिल हुई, और त्रिपाठी जी ने हर तरह से संघर्ष किया शिक्षकों के साथ, और उसको लड़ाई को आगे न बढ़े, उस लड़ाई में हम लोगों को पीछे कर सकें, इसलिए राजनीतिक दल इस चुनाव में कूदे हैं। बाकी उनकी इस चुनाव से कोई न तो लाभ है न कोई उनको हानि है, उनके पास वैसे भी जनमत है, ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास सीट है, तो सदन में एक सीट की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्या पोजीशन है क्षेत्र में? आप प्रयागराज में हर जगह घूम रहे हैं, तो क्या ये त्रिपाठी जी क्या कंडीशन है? देखिए त्रिपाठी जी, हम शर्मा गुट जो है पूरे जनपद इलाहाबाद जनपद जो है हमारा, इन 10 जनपदों में सबसे बड़ा जनपद है और सबसे अधिक वोटर यहीं पर हैं। 80% वोटर माननीय सुरेश त्रिपाठी जी के साथ है, 20 में सभी राजनीतिक दल और अन्य जो प्रत्याशी हैं वो है। इसलिए हमारी लड़ाई जो है वो सत्ता से, सत्ता से इसलिए है कि सत्ता कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं चाह रही है। जैसे कि अभी एक प्रत्याशी जो उन्होंने जबरन बैठाया, जैसा कि उस प्रत्याशी का वीडियो भी वायरल है, जबरन अपने साथ समर्थन ले लिए, तो इसलिए हमारी लड़ाई सत्ता से, किसी प्रत्याशी से है ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।